आज हल्की हल्की बारिश में मैं खुद को ढूंढने निकला हूँ। ये खूबसूरत नज़ारों को आँखों में कैद करने निकला हूँ। कहीं खो न जाऊँ इन लम्हों के शोर में, इन वादियों में मैं अपना सुकून ढूंढने निकला हूँ। न जाने कौन सा लम्हा आखिरी हो मेरा, इसीलिए अब हर लम्हे में ज़िंदगी ढूंढने निकला हूँ। व्लॉग्स और आज मैं हूँ इस जगह पे। तो ये है थानों से जो रास्ता निकलता है रायपुर के लिए। मैं थानों वाली रायपुर वाले रास्ते पे हूँ अभी और मौसम बहुत बढ़िया है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:45 यानी कि 7:45 और ऐसे मौसम अच्छा था तो निकल गए। तो यहाँ पे आए थे, मोर दिखा लेकिन वो डांस कर नहीं रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, मोर की मर्जी जब वो डांस करे। बाकी हल्की हल्की शावरिंग होने लगी है और इसके बाद जब आप अपने काम पे जाते हो या जो भी आप काम करते हो तो एक बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है और ये सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि मॉर्निंग में जब भी आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले या ट्रैवल के लिए निकले तो एक फ्रेशनेस रहती है और इसी फ्रेशनेस को अभी हम यहाँ पे फील कर रहे हैं। देखो खूबसूरत तो बहुत है यार ये जगह। तो यहाँ पे बंदर है, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज अभी हवा में उड़ रही हैं, यहाँ पे मौसम बिल्कुल हरियाली है, हल्की हल्की बारिश है, उस तरफ गायें हैं। गायें आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये सभी यहाँ पर अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हैं, बहुत सुंदर। काश मैं उनके पास जा पाता बट हम जा नहीं सकते क्योंकि हम खड़े हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर और उधर बहुत सारी काव हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइफ में एक ब्रेक चाहिए होता है राइट, लेकिन उसके लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे छोटे ब्रेक वो छोटे छोटे ब्रेक्स हम अपने 24 घंटे में अगर सिर्फ 10-15 मिनट भी निकाले ना तो वो ब्रेक्स हमको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइफ में स्टक हैं या थोड़ा सा भी टेंशन हो रहा है, आधे घंटे के लिए घर से बाहर निकल जाइए और किसी पार्क या फिर किसी ऐसी जगह पे आ जाइए। और अगर घर के आसपास ये सब नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलत जगह रह रहे हो यार। बट चलो ठीक है, हो सकता है मजबूरी है आपकी वहाँ पे रहना, कोई आसपास पार्क होगा यार। और अगर नहीं है तो फिर घर में ही पौधे लगा लीजिए, घर में मनी प्लांट लगा लीजिए, चल जाता है। इंडोर प्लांट्स लगा लीजिए, चल जाएंगे, है ना। उनके साथ बातें करिए, फोटोग्राफी करिए एंड उन्हीं के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब मैं इन खुली वादियों में यहाँ पे घूमता हूँ ना तो मेरे काम पे भी असर पड़ता है और मेरे मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। रीज़न, अगर जैसे मेरा काम है तो मैं वहाँ पे सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठ के काम नहीं करना चाहता हूँ यार, मुझे फील करना है। एक ही लाइफ है यार, मुझे फील करना है कि मैं आज़ाद हूँ, है ना। मैं क्यूबिकल्स में थोड़ी बैठा हूँ, मैं आज़ाद परिंदा हूँ, मुझे उड़ना है भाई। तो कहीं ना कहीं यही तो है, देखो जब तक आसमान नहीं देखोगे उड़ोगे कैसे। और यही चीज़ हमें समझनी है क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है और उसके बाद सब अंधेरा काला कुआं है। तो भैया अभी है वो टाइम जो आपको जीना है, और डेली नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, हफ्ते में आपकी 2 दिन छुट्टी होती है, संडे सभी का ऑफ होता है यार, संडे के दिन ट्रैवल कर जाओ आप, सैटरडे की नाइट को निकलो, मॉर्निंग मंडे आ जाओ वापस, कुछ भी करो, घर के आसपास जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन जिससे मिलना है उससे मिलो, जिससे बात करनी है उससे बात करो, ऐसे दब के ऐसे प्रेशराइज होके कुछ नहीं होगा यार। और जो करना है लाइफ में वो करो क्योंकि यही वो टाइम है जो आपको करना है, जो भी करना है इसी टाइम पर करना है। और ये चीज़ सबको पता होती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोई नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें सबको पता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा ध्यान सिर्फ पैसे के ऊपर है। देखो यार पैसा ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दे सकता है आपको, लेकिन मेंटल पीस पैसा नहीं देता है, ठीक है, ये चीज़ आप मानेंगे, मेंटल पीस पैसा नहीं देगा। हो सकता है आपने ना कमाया हो लेकिन मेंटल पीस आपको सिर्फ और सिर्फ घूमने से मिलेगा, खुद से बातें करने से मिलेगा और उस काम से मिलेगा जो आपको पसंद है यार। तो यार कोशिश करो इन्जॉय करने की एंड ज़्यादा टेंशन लेके यार कुछ होगा नहीं, तुम्हारे पीछे बंदर है और ज़्यादा टेंशन लेके ना कुछ होगा नहीं। तो जस्ट चिल करो, अपनी लाइफ को फुल ऑन जियो यार, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, बस यही ज़िंदगी है। फाइनली आज मॉर्निंग का ये जो हमने सफ़र
छोटा सा एक मिनी व्लॉग स्टार्ट किया था, अब इसको एंड करने का टाइम आ गया है। तो होपफुली आपको मजा आया हो, और मजा आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।